नमस्कार मुँ नमिता हानिशा चैनल को आपमन को बहुत बहुत स्वागत। तो आज रेसीपी हूँ ओडिशार फेमस आ स्पेशल रेसीपी जोटा कि आप पूरी सहित खाती बरा सहित खाते पकोड़ी सहित खाती आ का सहित चाट बन खाती सेटा हूँ आमर घुगुनी। तो मुझे आम घुगुनी तरकारी रेसीपीटा आपमन सहित शेयर करी से ओडिशा स्पेशल मार्केट स्टाइल केमी आप घुगुनी घरे बनइबे आ परफेक्ट कम्बिनेसन आपरिपारे आपंकर पूरी हो कि आप जहाँ सहित भी कम्बिनेसन करके खाया चाहते ताकत आपरि। तो बर्तमान जल्दी से चलते देखिए मुझे केमती घुगुनी तरकारीटा प्रिपेयर कर। आज आम बनवा ओडिशा स्पेशल घुगुनी तरकारी। तो से देखूँ मुझे आम मटर को बतुरे आकु जस्ट टिके लुण पकई सीझे आसी पूरा पेस्ट कला बेला सीझे जस्ट मैंने दुटा हुई आसला पर्यटन सीझे आती आलू भी पकई देते चोपा छड़े। तो बर्तन मुझे आलू गोटे प्लेट को काढ़ी दूसरी टिके थंडा हो आलू से आप कौन आलू को क्यूब करके काटि दिंतु। गोटे छोटो टिप्स देवी जब भी आप घुगुनी तरकारी बनाऊँच घुगुनी तरकारी मसला टिके कम पकातु जहाँ फल तरकारीटा बहुत भल लगे ना बेसी हेवी लगे आपन को उपमा हो पूरी सहित खाया को भल लगे। तो बर्तन मुझे देखा मसलें मुझे आम दुटा मीडियम साइज्र पिज को फाइनली चॉप्ड करके नहीं देखो गोटे मीडियम साइज्र पिज को मुझे क्यूब करके काटिक रखी मसलापी आ गोटा मसलार तेजपत्र नहीं दी खंड डालचीनी नहीं लवंग नहीं गुजराती नहीं किसी गोलमरीच नहीं गोटे टमाटर को मुझे क्यूब करके काटिक रखी आई कसूरी मेथी नेली आईटी आमर सात आठ खोला रसुण और हाफ इंच अदा नहीं। तो बर्तमान आम कौन कर मसला बाटिदे ये पिज आदा रसुण आँ कह आम रहा टमाटर एति को ही आम भलसे फाइन करके पेस्ट बनईदे। तो बर्तमान मुझे गुंड मसलार देखी आमर टिके ये काश्मीरी चिल्ली पाउडर मुझे पकाऊँ आपत चाहिए तरकारी बनला बेलू भी आप मसला गुंड पके पारे बट मुझे ये गोटे बउल पकाउँ जहाँ फल मसलाटा बढ़िया से फुली बहुत भल लगे। तो ये देखो गोटे स्पून आम धनिया गुंड हाफ स्पून आम पकईदी टी जीरा गुंड आ गोटे स्पून आम हल्दी गुंड पड़ा आई वन फोर टी स्पून आम पकईदे चिकेन मसला गुंड। तो बर्तमान मुझे पा दे कि भल भाव मिक्स करदेवि आ गए दस मिनट ये मिक्सर को आज छाड़देवे जहाँ फल देखिए आपणकर ये जो मसला गुंडर पेस्ट गोटे बढ़िया पेस्ट बन जीवो मसलाटा बढ़िया से फुली जीवो आ कसी हेला भी गोटे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो ये मसलार। तो बर्तमान कौन करवा देखो आमर मिक्सरटा बढ़िया से रेडी। तो एबे मुझे आमर टिके सोरस तेल गरम करी ट्राए करूँ घुगुनी तरकारी बनला बेलू सब सोरस तेल प्रिफर करूँ सोरस तेल आप तरकारी बहुत टेस्टी लगे। तेल गरम हेले आम सब गोटा मसला पकईदे और पिज पकईदे। तो बर्तमान ये पिज को आप भल भाव भाजतु ताबी नुह कि हाई फ्लेम भाजदेवे आपको लो मीडियम फ्लेम भाजले पिजटा बहुत बढ़िया से नरम हो मसला सहित बढ़िया से मिसीज। तो बर्तमान देखो पिजटा आमर टी गोल्डेन कलर लाइट ब्राउन कलर देखाला। तो एबे होची मु पके दोची आमर कसूरी मेथी आपण चाहिले कसूरी मेथी को उसुम करके लास्ट भी पके परिये बट तेल रे भाजी दिले कसूरी मेथी रा गोटे भल बासना आसे। तो बर्तमान मु एठी कसूरी मेथी को आमर पियाज सहित भल भाबरे भाजी दोची पियाज सहित भाजी सला परे बर्तमान मु कोन कले गैस रो फ्लेम को टिके लो कर दिली तापरे सब गुंड मसला पके दोची पूरा लो फ्लेम रे गुंड मसला को ही कुक करबे। तो गुंड मसला को मु डायरेक्ट तेल रे पकेबा रीजन हूँ जेहेतु आम कश्मीरी चिल्ली पाउडर पड़ी। तो भल माने गोटे मसला भल से भाजी हे आ गए लंका गुंड रोटे भल कलर भी आसो से मुझे तेल रे आगे गुंड मसला को भल भाव कसी दौची। तो जस्ट एमती ही आप गोटे चार पांच मिनिट पर्यटन गुंड मसला को पिज सहित भल भाव भाजी दिंतु। तो बर्तमान आप देखिए आमर पूरा तेल ऊपर को छाड़ा स्टार्ट हो गला गुंड मसला भी बहुत भल भाव आम पिज सहित मिसीगला बढ़िया से भाजी गला। तो एबे मुझे आमर बटा मसला पकईदेवि बटा मसला को बढ़िया से गुंड मसला सहित मिक्स करके आपको भल भाव कसीदे जमीक आपणकर मानने मसलू तेल छाड़ से पर्यटन आप भल भाव भाजतु। तो बर्तमान मुझे लुण पकईदेवि मसला अनुजाई लुण पकेबे कारण आम अलरेडी चना जितर को सीझाई थी मटर चना से लुण पड़ा। तो मुझे कौन मसला अनुजाई अल्प टिके लुण दौची। तो बर्तमान कभर करके ये मसला को आम गोटे लो फ्लेम पांच रु दस मिनट पर्यटन कुक करवा पांच दस मिनट पर आप देखिए आप मसलाटा बहुत बढ़िया से कसी हो तेल छाड़ा स्टार्ट आउ कह गर मसला बेसी पकईन जिते अधिक मसला पकाती से मसला कसीबाक टाइम लगे। तो से अल्प मसलार बनातु बहुत भल लगे घुगुनी तरकारी
तो बर्तमान देखूँ आमर मसला तो कषिगला तो मुझे कौन कर मसलार पकईदेवि आमर जो आलू क्यूब करके काटिकी रखी थी ताको बर्तमान पकईदेवि। तो बर्तमान मुझे कली आलुरे टिके पानी दे दूँ कारण मसला टिके ड्राई अच्छे पानी दे कि बर्तमान यू भल भाव मिक्स करके कवर कर दिंतु और लो फ्लेम रे गोटे 5 मिनट पर्यटन कुक करूँ। 5 मिनट पर लिड ओपन कलर को आपन देखिए आपणकर मसला आलू बहुत बढ़िया से कषि तो फाइनली आमर पड़ घुगुनी। तो बर्तमान घुगुनी पकई सारापर यू गोलई दिंतु आई पा आप देते उषुम पानी दे पारे ना थंडा पा भी दे चल आउ पानी देखू आप देखिए आपन को केते ग्रेवी दरकार से हिसाब से आपन पानी ऐड करेंगे। जदि पूरी बनुंच टिके अधिका पानी दिंतु जदि उपमा बनुंच भी टिके पानिया करूँ जदि घुगुनी चार करछन देन टिके कम पानी ऐड करूँ। तो रिक्वायरमेंट हिसाब से पानी आपन ऐड करेंगे। तो एबे हमें कौन करवा एथिरे पकई देबा आमर टिके गरम मसला गुंड पकईकी आकु भल भाव गोलई दिंतु कवर करूँ आउ एटा को लो मीडियम फ्लेम रे गोटे 15-20 मिनट पर्यंत फुटे दिंतु। 15-20 मिनट पर जितेक आप लिड ओपन करेंगे आप देखिए आपणकर घुगुनी तरकारी परफेक्टली रेडी आउ माने बहुत बढ़िया से घुगुनी तरकारी रे मसला भी पूरा फ्लेवर आस जाए। तो एबे आम कौन करवा गैसटा को बंद करदे आउ फाइनली घुगुनी तरकारी जदि धनिया पत्र न पकाउ देन घुगुनी तरकारी अधूरा टिके धनिया पत्र ऐड करूँ आउ एटा को टिके हल्का गोल दिंतु। तो बर्तमान ये घुगुनी तरकारी को आपन गोटे 10-15 मिनट छाड़ दिंतु सी टिके रेस्ट कर दो तापर एटा को आपन गरम गरम सर्व करूँ। केमती लगे रेसीपी निश्चित कमेंट करके जब भल लगे प्लीज ट्राए करूँ फ्रेंड्स मैं सदस्य शेयर करूँ मो चैनल हाणीशाला को सब्सक्राइब करें बिल्कुल भूलानी पाखे जो छोटे बेल आइकन अच्छे हिट करूँ जहाँ फल हाणीशाला सब लेटेस्ट अपडेट पापर। थैंक यू।